किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, यह हमारी सरकार की सोच है। और इसीलिए अब मैं अगस्त महीने में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूं। आपको पता होगा कैमरी करके गाड़ी थी, वो इनोवा है। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी, 60% इथेनॉल, 40% बिजली। उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा, देश का प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में जाएगा, गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, गांव के किसान के बेटों को रोजगार मिलेगा और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बनेगा। अब मैंने आगे भी लाया कि सीएसआर और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने संशोधन किया है कि जो परली है, परली से डांबर तैयार होगा। पानीपत में परली से इथेनॉल तैयार हो रहा है और एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज चलने के लिए जो ईंधन लगता है वो भी किसान बना रहा है। यही हमारे सरकार की कमाल है। स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली हमने किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर लाए। बहन और भाइयों, देश की तरक्की हो रही है, हम देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, द स्ट्रॉन्ग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम देश में सबसे आर्थिक दृष्टि से विकास करने वाला देश बने हैं। मोदी जी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत,